अमित शाह जी ने एक शब्द दिया था क्रोनोलॉजी, और ऐसा लगता है कि ये जो क्रोनोलॉजी शब्द है ये मोदी जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। अभी गुजरात में जब मोदी जी गए थे, वही सेम समय, दोपहर का वही सेम समय और दोपहर का वही सेम फ्रेम, गाड़ी का फ्रेम, और वहीं से सामने से एम्बुलेंस गुजरी, और आज शाम, आज जो है वो गुजरात के बाद में आज हिमाचल में भी वही फ्रेम और सामने से गाड़ी गुजरी। और इस बार तो दो कदम आगे है, दो कदम आगे। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, पिछली बार की जो वीडियो थी उसमें केवल जो है वो गाड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार बाकायदा ऐसा लगता है कि अलग अलग कैमरे से शूट करके वीडियो को मिला करके तब रिलीज किया गया है। एक वीडियो जो है करीब 10-12 सेकंड का है कुल, और उसमें दिखती है कि एक एम्बुलेंस गाड़ी आती है, मोदी जी का इधर से काफिला आ रहा था, उसको रोका गया, उसके बाद वो एम्बुलेंस गाड़ी इधर से सीधी निकल गई। तब पुलिस वाला कहता है कि आइए मोदी जी निकल जाइए, और मोदी जी निकल जाते हैं। अब इसको लेकर के लोग खूब चटकारे ले रहे हैं। देखिए रणविजय सिंह ने लिखा है कि अद्भुत, एक एक फ्रेम कैप्चर हुआ है, एक एक फ्रेम कैप्चर हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कुछ अलग अलग फोटो दिखाऊंगा और आप भी कहेंगे कि हैरानी की बात है। देखिए कुछ चार पांच फोटो जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, यहां से ये एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, और एम्बुलेंस गाड़ी को पुलिस वाला देखता है। देखने के बाद में पुलिस वाला जो है मोदी जी की जो गाड़ी है उसको रुकवाता है और एम्बुलेंस सीधे निकल जाती। दो तस्वीरों के जरिए आप एम्बुलेंस को यहां पर देख सकते हैं। अब तीसरी तस्वीर आप देखिए, तीसरी तस्वीर, सवाल कुछ है, सवाल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको केवल तस्वीरें समझा रहा हूं फिर आपको सवाल दिखाऊंगा। तीसरी तस्वीर आप देखिए, इस एक तस्वीर में तीन चीज है, एक है मोदी जी, एक है सामने एम्बुलेंस, और एक है पुलिस वाला। ये तीसरी तस्वीर देखिए, ऐसी तस्वीर, ऐसा फ्रेम बनाया है कि एक फ्रेम में तीनों चारों चीज जो है वो निकल करके सामने आ रही है। मोदी की गाड़ी के अंदर बैठ करके वीडियो बनाया गया है, देख लीजिए आप इस बात को। एम्बुलेंस निकल रही है, निकलती है एम्बुलेंस, अच्छी बात है निकाला गया एम्बुलेंस को, लेकिन एम्बुलेंस को निकालने के लिए जो वीडियो बना वहां, वो मोदी की गाड़ी के अंदर बैठ करके वीडियो बना और वो वीडियो रिलीज किया गया है, देखिए आप इस बात को। अब इसके बाद में चौथी तस्वीर आप देखिए, चौथी तस्वीर आप देखेंगे तो क्या देख रहे हैं चौथी तस्वीर में, मोदी जी आपको दिख रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आप देखिए राइट साइड में, राइट साइड में जो जिधर जो स्टीरियो होता है उसके ऊपर जहां पर मिरर लगा होता है छोटा, बैक मिरर, बैक मिरर के ऊपर की लाइट जल रही है, और उसके ऊपर जो बैक मिरर के साइड की लाइट है वो भी जल रही है। दिन का समय है, दोपहर का 2 बजे का समय है, आप देखेंगे शीशे में आगे के पेड़ पौधे सब कुछ नजर आ रहा है दूर तक का, क्योंकि दोपहर का समय, 2 बजे का समय, कोई धुंध नहीं पड़ रही है, कोई रात नहीं हो रही है, कोई शाम का समय नहीं है, दोपहर के 2 बजे बाहर का सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मोदी के अंदर की लाइट जली हुई है। अब देखिए आप कहेंगे कि एक लाइट चली है, हो सकता है गलती से जल गई हो, ये है वो है। अब देखिए दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर के अंदर आपको मोदी जी के लेफ्ट की तरफ जो विंडो है, विंडो की तरफ, खिड़की के ऊपर की भी लाइट जल रही है, और ये स्पेशल लाइट है जो मोदी जी की गाड़ी में लगाई गई है। इस तरह की आमतौर की लाइट जो है वो आती नहीं किसी भी गाड़ी के अंदर, एक जो है वो हेडलैम्प आता है लेकिन वो एक ही जगह पर होता है, लेकिन इस तरह से लेफ्ट में भी लाइट है, राइट में भी लाइट है, और आगे डैशबोर्ड के ऊपर भी लाइट है, तो ये लाइटें संभवतः लगवाई जाती है। अब जो देखिए, और फिर उसके बाद में सब कुछ होता है, सारा फोटो सेशन होता है, और उसके बाद में जो है वो गाड़ी को निकलवा दिया जाता है। तो ये जो है वो 5-6 फोटो के जरिए इस पूरे प्रकरण को, पूरे खेल को आप समझिए। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपने बहुत सारे नेताओं का, गाड़ियों का काफिला देखा होगा, बहुत सारे नेताओं का काफिला आपने देखा होगा, आप एक बात को बताइए, एम्बुलेंस को इधर से जाना था, मोदी जी को इधर से आना था, इधर से आकर के मोदी जी को ऐसे मुड़ना था। अब बहुत सारे काफिले आपने देखे होंगे, केवल मोदी जी की गाड़ी जो है वो यहां पर इस रोड के मिलने पर खड़ी है। आप बताइए, आपके यहां पर छोटे से छोटा विधायक भी आता होगा तो 5-10 गाड़ियां उसके आगे चलती हैं, 5-10 गाड़ियां उसके पीछे चलती है, 20-22 गाड़ियों का काफिला एक विधायक लेकर के चलता है, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की गाड़ियों के अंदर जो है वो और भी कई गाड़ियां होंगी, और सिक्योरिटी की जो है 15-20-10 गाड़ियां तो सिक्योरिटी की रहती है, और शायद मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को सबसे आगे चलाना वो सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक होगा। तो ये कमाल की बात, ये कमाल की क्रोनोलॉजी ये है कि एम्बुलेंस जब इधर से गुजर रही थी तो मोदी जी की ही गाड़ी सबसे पहले थी,
उससे पहले किसी सिक्योरिटी गाड़ी कुछ नहीं है। मोदी की गाड़ी के अंदर से बैठ करके वीडियो बनाई गई ताकि एम्बुलेंस भी दिखे और मोदी जी भी दिखे। अब यहां पर एम्बुलेंस ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मोदी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, पुलिस वाला ज्यादा महत्वपूर्ण था, इस बात को तो आप खुद बताइए किस तरह से जो है वो क्रोनोलॉजी चलती है, क्रोनोलॉजी काम करती है। ये आपके सामने कुछ एक मैं आपको और प्रतिक्रिया दिखाता हूं ताकि आपके सामने चीजें क्लियर हो। आप देखिए एक और प्रतिक्रिया देखिए, फिर उसके बाद में एएनआई का क्या खेल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भगत राम लिखते हैं कि नॉर्मल लोगों का रास्ता बिल्ली काटती है, हमारे शेर का रास्ता एम्बुलेंस काटती है, लेकिन हमारा शेर फिर भी पूरी तैयारी करके चलता है, 4 कैमरे बाहर और 1 कैमरा गाड़ी के अंदर, क्योंकि उसने बचपन में एम्बुलेंस देखी है। तो ये कमाल की बात यह है कि एम्बुलेंस जब यहां से आ रही थी तो इधर भी पीछे भी कैमरा था, एम्बुलेंस के आगे इधर भी कैमरा था, और जब मोदी जी इधर खड़े थे तो इधर भी कैमरा खड़ा था, और 1 कैमरा मोदी जी के गाड़ी के अंदर भी। कमाल की बात यह है कि इतने कैमरे लगा करके ना जाने कौन कहां से शूट कर रहा था, और सबने वो वीडियो इकट्ठा करवा दी एक ही जगह वीडियो इकट्ठा करवा दी। वरना ये 10-12 सेकंड की जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी के भी गाड़ी से वीडियो जो है वो भेजा गया, वो सब इधर के कैमरे से भी आया, उधर के कैमरे से भी आया, इधर के कैमरे से भी आया। तो क्या एक ही एजेंसी काम कर रही थी? क्या एक ही एजेंसी के सब लोगों को मालूम था कि इस समय पर यहां से एम्बुलेंस निकलनी है? सबने फ्रेम बना करके रखा हुआ था, सबके कैमरे बिल्कुल यहां पर तैयार थे, इधर वाले के भी, इधर वाले के भी, उधर वाले के भी, उधर वाले के। कमाल की बात है ना। अब मैं एएनआई का ट्वीट आपको दिखाता हूं। एएनआई के ट्वीट आप देखिए, 30 सितंबर का ट्वीट है और दोपहर के 3:13 का ट्वीट है, और इसमें जो एम्बुलेंस आपको दिख रही है धुंधली धुंधली, मोदी जी की गाड़ी दिख रही है, और इसमें गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफिले के अंदर अहमदाबाद में गांधीनगर से जो है उन्होंने अपना कॉन्वे को रोका और एम्बुलेंस को पास किया, और इसमें भी आपको एम्बुलेंस जो है वो आगे की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा तस्वीर जो आज की है, आज की जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की आप देखिए, 2:11 का, 1 घंटे का अंतर है, केवल 1 घंटे का अंतर है। उसी समय पर गुजरात में एम्बुलेंस निकलती है और उसी समय पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एम्बुलेंस निकलती है। वो 3:13 पर जो है वो एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया, और ये जो है वो 2:11 पर एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है। केवल 1 घंटे का अंतर है, यानी एएनआई के पास में तब भी उसी रफ्तार से फीड आई होगी और अब भी इसी रफ्तार से फीड आई होगी। अब देखिए इसमें भी एएनआई ने वही सेम फोटो लगाया जो गुजरात में फोटो लगाया, उसमें भी अंदर वाला फोटो लगाया जहां पर मोदी जी बैठे थे जिस गाड़ी के अंदर, और अब भी जो फोटो लगाया है वो वही फोटो है जिसमें मोदी जी जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं। पिछली बार जो है वो चेहरा थोड़ा कम दिख रहा था, इस बार पूरा चेहरा दिखाया है, पूरी हिमाचल की जो टोपी है उसको दिखाया है। तो चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद बताइए कि वाकई जो है क्रोनोलॉजी की बात है, ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। एम्बुलेंस को रास्ता देना अच्छी बात है, हर कोई इस बात से जो है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके काफिले के आगे अगर कोई गाड़ी आती है उसको एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाना चाहिए। छोटे से छोटा ट्रक टेम्पो आप कहीं पर भी देखते होंगे, सब लिख करके चलते हैं पीछे। देश के अंदर इतनी जागरूकता है कि एम्बुलेंस को रास्ता दे, और प्रधानमंत्री है तो जाहिर तौर पर देना ही चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें और जो वायरल हो रही है चीजें और जो अलग अलग फ्रेम से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, वो इस बात को जो है वो बार बार सवाल उठा रही है कि इसके पीछे क्या कोई क्रोनोलॉजी है, या इसके पीछे क्या कोई संयोग है या प्रयोग है। आप खुद बताइए, क्या वाकई जो है ये जो सवाल मोदी जी के ऊपर उठा रहे हैं ये वाकई सही है, या आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं और इस तरह का किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।